हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हैं और मैं आप सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। आप सब लोगों का भी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। अभी मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटेक्निक में जो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले रहे हैं नई न्यूली स्टूडेंट्स, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अभी उन लोगों का एडमिशन चल रहा है और उसी एडमिशन के क्रम में अभी जो बहुत सारे बच्चे हैं हमसे पूछ रहे हैं कि सर हमारा सिलेबस क्या होगा, हम कौन सा बुक खरीदे या हमारा पढ़ाई कॉलेजेस में कब से स्टार्ट होगी। तो देखिए, सबसे पहला बात, कॉलेज में पढ़ाई कब से स्टार्ट होगी उसके लिए हम बता देते हैं। आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लिए हैं उसका वेबसाइट चेक करते रहिए, उसमें नोटिस आ जाएगा कि आपका पढ़ाई कब से स्टार्ट होगी। मोस्ट प्रोबेबिलिटी अराउंड लास्ट वीक ऑफ फरवरी या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से आपका पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, पहला डाउट तो ये था आपका कि कब से पढ़ाई स्टार्ट होगी। तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका कि कॉलेज का वेबसाइट आप चेक करते रहिए जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं। दूसरा डाउट ये था कि सर हमारा सिलेबस क्या है, हम कौन सा बुक खरीदें। देखिए, अभी हम ये बात बता देते हैं कि जो स्टूडेंट्स, सबसे पहला बात कि जो पॉलिटेक्निक में जो पढ़ाई होती है उसको अकॉर्डिंग टू ब्रांच दो ग्रुप में बांटा जाता है। दो ग्रुप में बांटा जाता है, ग्रुप वन एंड टू। और कुछ ब्रांचेज को ग्रुप वन में डाला जाता है और कुछ को ग्रुप टू में। अभी हम ग्रुप वन की बात कर रहे हैं, ग्रुप वन की बात कर रहे हैं। ग्रुप वन में कौन कौन ब्रांच आते हैं? तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, फिर कंप्यूटर साइंस। ये तीन ब्रांचेज हैं, इसको ग्रुप वन में डाला जाता है। और जो अभी ये देखिए स्क्रीन पे जो दिख रहा है अभी सिलेबस, जिसमें लिखा हुआ है सेमेस्टर वन, ये ग्रुप वन के लिए है, ये ग्रुप वन के लिए है। और ये सिलेबस अभी जो न्यूली स्टूडेंट जो एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए लागू होगा। इससे पहले जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले चुके हैं पॉलिटेक्निक में, जैसे 2019 में जिनका एडमिशन हुआ है, 2020 में तो किसी का एडमिशन हुआ नहीं, अभी 2020 वाले का ही एडमिशन चल रहा है। अभी 2021 में एडमिशन जो चल रहा है 2020 वाले का ही चल रहा है, बिकॉज कोरोना की वजह से लोगों का एग्जाम नहीं हो पाया और सेशन थोड़ा लेट हो गया है। तो अभी सबसे पहली बात कि ये इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले ब्रांच वाले के लिए है। देखिए, इससे पहले जो सिलेबस था पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए वो थोड़ा डिफरेंट था। जो अभी सिलेबस इस साल चेंज हुआ है, और सब देखिए ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, जो सिलेबस चेंज हुआ है, जो अभी न्यूली स्टूडेंट्स जो एडमिशन लिए हैं 2020-21 ही मान लीजिए, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है इफेक्टिव फ्रॉम सेशन 2020-21, उनके लिए ये वैलिड है। जो पहले, अगर देखिए एक डाउट बता दे रहे हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट है जो 2019 में एडमिशन लिए लेकिन वो फेल हो गए और अभी सेमेस्टर वन या सेमेस्टर सेकेंड में ही हैं, उनके लिए ये सिलेबस नहीं है, उनके लिए पुराना सिलेबस ही फॉलो होगा। या फिर कोई भी स्टूडेंट जो फोर्थ सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर में है, वो जो सिलेबस पहले बना हुआ है उनके लिए वही फॉलो होगा। अभी जो नए स्टूडेंट्स आएंगे, ये जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट, फिर जब सेकेंड ईयर में जाएंगे, थर्ड ईयर में जाएंगे, उनके लिए वो सिलेबस फॉलो होगा जो नए सिलेबस बनेंगे। अभी तो ओनली फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए सिलेबस बना है, यही सिलेबस है जो भी आपके सामने दिखा रहे हैं। देखिए, एक तो अभी जो पॉलिटेक्निक में नए स्टूडेंट्स एडमिशन लिए हैं उनको तो पहले ये चीज़ समझा दें कि देखिए जो आपका एग्ज़ाम होता है, जो पेपर कितने पढ़ने पड़ते हैं उसके बेसिस पे। देखिए, एक होता है थ्योरी पेपर, उन सब लोगों को तीन टाइप का यहाँ पे पॉलिटेक्निक में चीज़ें होती हैं। एक होता है थ्योरी, देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं आप लोग, एक थ्योरी पेपर होता है, एक प्रैक्टिकल होता है और एक टर्म वर्क होता है। ठीक है, एक टर्म वर्क होता है, तीन चीज़ें होती हैं, ध्यान से देखिएगा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो थ्योरी पेपर 100 मार्क्स का होता है, थ्योरी पेपर 100 मार्क्स का होता है, प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का होता है और टर्न वर्क 25 मार्क्स का होता है।
ओके ठीक है। बस आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि तीन चीज होती हैं। अभी हम अब बात करते हैं सिलेबस का, इसी के क्रम में आ जाएंगे अभी तीनों चीज। देखिए सिलेबस में यहाँ लिखिए थ्योरी लिखा हुआ है, थ्योरी स्कीम के लिए ये फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस, सिर्फ तीन ब्रांचेस के लिए ये सिलेबस है। इसके अलावा जितना भी ब्रांच बचे, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, वो सब के लिए दूसरा जिसमें सेमेस्टर टू लिखा हुआ है अभी, उनको वो पढ़ना होगा। वो ग्रुप टू में होते हैं वो लोग, जो ये तीनों ब्रांच को छोड़ के जो और सब जो बचे वो सब ग्रुप टू में हैं, इसलिए उनको सेमेस्टर टू वाला पार्ट अभी पढ़ना है। देखिए जो सेमेस्टर वन में है इन तीनों को, अभी इन तीनों को ये पढ़ना है, मैथमेटिक्स वन, अप्लाइड फिजिक्स वन, अप्लाइड केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। देखिए ये पांच थ्योरी पेपर है और इस पांच थ्योरी पेपर में जो एग्ज़ाम होता है फाइनल, वो 3 घंटे का होता है। सब देखिए 3 घंटे का एग्ज़ाम है फाइनल एग्ज़ाम, और ये 3 घंटे का एग्ज़ाम जो फाइनल है वो कितना मार्क्स का होगा, 70 मार्क्स का। ये आपको कोई कहीं पे सेंटर मिलेगा किसी न किसी कॉलेजेस में, वहाँ पे जाके एग्ज़ाम देना है 70 मार्क्स का। देखिए अब बचा, बिकॉज थ्योरी हम क्या बताए हैं 100 मार्क्स का, देखिए हम यहाँ लिख चुके हैं थ्योरी पेपर 100 मार्क्स का होगा, तो 100 मार्क्स में 70 मार्क्स को तो हो गया ये प्रैक्टिकल बाहर हो गया एग्जाम इसका सेंटर पे। और बचे 30 मार्क्स, तो देखिए 20 मार्क्स का क्लास टेस्ट होगा, 10 मार्क्स का टीचर असिस्टमेंट, मतलब टीचर आपका बिहेवियर कैसा है, आप असाइनमेंट कैसा जमा कर रहे हैं, आप क्लास रेगुलरली आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उनके बेसिस पे जज किया जाता है। यानी 30 मार्क्स ये टीचर का इंटरनल असेसमेंट होता है सारे सब्जेक्ट में थ्योरी पेपर में, ठीक है। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। हम आगे बढ़ते हैं, अभी हम बात कर रहे थे थ्योरी पेपर का। अब देखिए अब प्रैक्टिकल, हम प्रैक्टिकल बताएं आपको 50 मार्क्स का होता है। देखिए तो आपका पांच पेपर तो हो गया, जो ये तीनों ब्रांचेज हैं अभी, ये तीनों इनको पांच तो ये पेपर पढ़ना है, मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स और ये सब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। देखिए कुछ लोग पुराना सिलेबस मत देखिएगा, पुराना सिलेबस में जो ये लोगों को पढ़ना था उसमें 6 पेपर पढ़ना था और उसमें कंप्यूटर फंडामेंटल्स भी था, जो कि अभी थोड़ा कुछ लिटिल बिट चेंज किया गया सिलेबस को, और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है लेकिन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के सिलेबस को भी चेंज किया गया है इसमें, वो अभी देखिएगा इंटरनल जब नीचे जाएंगे तो देखेंगे इसके अभी सिलेबस क्या है, जब आप पढ़ाए जाएंगे टीचर द्वारा वो बताया जाएगा उनके द्वारा। तो अभी हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल में क्या क्या है। तो जैसे अब फिजिक्स है ऊपर, तो उसी का जो प्रैक्टिकल है अप्लाइड फिजिक्स उसका है, देखिए फिर अप्लाइड केमिस्ट्री का है और कम्युनिकेशन स्किल का लैब है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल एग्जाम भी 3 घंटे का होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम कॉलेज में होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम जिस भी आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ पे होता है, ठीक है। और दूसरा जो ये प्रैक्टिकल होता है, तो उस प्रैक्टिकल हम बताएं आपको प्रैक्टिकल मार्क्स होता है 50 मार्क्स का, प्रैक्टिकल का जो एग्जाम होता है 50 मार्क्स का होता है। तो उस 50 मार्क्स में दो, एक इंटरनल असेसमेंट होता है एक एक्सटर्नल है। इंटरनल असेसमेंट मतलब जो कॉलेज में लैब अब जो करेंगे जो फाइनल एग्जाम होगा 15 मार्क्स का होगा कॉलेज में, और 35 मार्क्स जो आप प्रैक्टिकल कॉपी लिख के देंगे वो कॉपी असेसमेंट होने के लिए किसी बाहर जगह पे जाता है, किसी दूसरे कॉलेज में जाता है, वहाँ पे उसका असेसमेंट होता है। फिर वो असेसमेंट होने के बाद फिर से कॉलेज में आ जाता है, बट वहाँ पे वो 35 मार्क्स वहाँ रहता है, 15 मार्क्स इंटरनल रहता है, यानी 50 मार्क्स हो गया। फिर उसके बाद अभी हम बता रहे थे प्रैक्टिकल का, जो भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल हो, उसके बाद हम तीसरा चलते हैं टर्न वर्क। टर्न वर्क देखिए टर्न वर्क होता है 25 मार्क्स का, 25 मार्क्स। ये कैसे, इसमें भी देखिए 25 में ये 7 और 18 इसका डिवीजन होता है, 7 मार्क्स जो इंटरनल असेसमेंट रहता है और 18 मार्क्स किसी भी सेंटर पे जो भी टर्न वर्क है उसका कॉपी चेक होने के लिए, वैल्यूएट होने के लिए किसी बाहर कॉलेजेस में जाते हैं वहाँ पे चेक होते हैं, वहाँ पे वो 18 मार्क्स देते हैं, मतलब 18 में से देते हैं। अब जितना मार्क्स आपको जितना आप जैसा अच्छा लिखे होंगे उसमें कंटेंट कैसा होगा उसके बेसिस पे। तो अभी हम बता दिए आपको कि टर्न वर्क, प्रैक्टिकल और थ्योरी पेपर, ये तीन टाइप का स्कीम होता है पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को जज करने के लिए, ठीक है। और उसमें सिलेबस में देखिए यहाँ पे एक टर्न वर्क में लिखा हुआ है इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस, ये फर्स्ट ईयर में सारे स्टूडेंट के लिए ये जो अभी सिलेबस बता रहे हैं वो कॉमन है। अभी देखिए
फिर दूसरा लिखा हुआ है स्पोर्ट्स एंड योगा, तीसरा KYP सी प्रोग्रामिंग IT एसेंशियल पाइथन्स। ये सब में से आपको कोई ना कोई एक करना है, ठीक है। तो ये अभी हम बता रहे थे सिलेबस, फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस था। फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस किसके लिए है? इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और कंप्यूटर ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट्स इस जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रहा है उनको फर्स्ट सेमेस्टर में ये पेपर, ये सब पेपर पढ़ना पड़ेगा। ये 5 थ्योरी पेपर और 3 प्रैक्टिकल और 3 टर्म वर्क, ठीक। ये हुआ। और अगर आपको ये जानना है कि मैथमेटिक्स का आपका सिलेबस क्या है, अप्लाइड फिजिक्स का सिलेबस क्या है, तो देखिए ये मैथमेटिक्स 1, जो भी मैथमेटिक्स पढ़ना है उनके लिए सिलेबस ये है। मैथमेटिक्स का सिलेबस देखिए देखा हुआ है कोर्स कंटेंट में। ट्रिकोनोमेट्री सबसे पहला है यूनिट 1, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर अलजेब्रा, डिटर्मिनेंट्स, ये सब पढ़ना है। आपको बुक कौन सा खरीदना चाहिए? देखिए ये BS ग्रेवाल हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये इतना अच्छा बुक है। ये ओनली ये डिप्लोमा ही नहीं, आप इंजीनियरिंग भी अगर कर रहे हैं, BTEC भी कर रहे हैं, तो आपको वहाँ भी यही बुक पढ़ना पड़ेगा। इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद और सभी बुक दिया हुआ है, बट इतना करने की जरूरत नहीं है। 1 बुक, दिस इज द इनफ बुक, ये इनफ है आपको, ठीक। और फॉर मोर नॉलेज आप इसको एक टेस्ट में ये सब प्रिफेयर कर सकते हैं, किसी सिन्हा का बुक, फिर टेक्स्ट बुक, ये सब NCERT, ये सब भी फॉलो कर सकते हैं आप, ठीक है ना। ये मैथ का सिलेबस था। फिर अप्लाइड फिजिक्स का सिलेबस देखिए, यहाँ अप्लाइड फिजिक्स है, तो अप्लाइड फिजिक्स के लिए फिर ये सब फिजिकल वर्ल्ड यूनिट एंड मेजरमेंट्स, फिजिकल क्वान्टिटीज, फंडामेंटल एंड डराइव्ड यूनिट्स, सिस्टम्स, फोर्स, वर्क एंड पावर, रोटेशनल। देखिए ये सिलेबस आप सिंपली आप हम इसका PDF अटैच कर देंगे, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। बस ध्यान रहे कि जिसका सेमेस्टर 1 लिखा हुआ है, जिसपे सारा सिलेबस में दिया हुआ है सारे चीज़ का, ठीक है, टर्म वर्क से लेके सारे चीज़ का किसका क्या सिलेबस है, आप यहाँ से देख के फॉलो कर सकते हैं, ठीक। दूसरा बात, बस सिर्फ ये चीज़ आपको ध्यान रहे कि जिसमें सेमेस्टर 1 लिखा हुआ है, जिसमें सेमेस्टर 1 लिखा है, देख रहे हैं सेमेस्टर 1, उसको वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। आपको यहाँ इतने तक समझ में आया, ठीक है। अभी हम ले चलते हैं आपको जिसमें जो स्टूडेंट्स सेमेस्टर 2, यानी जिसमें अब जिसके अलावा जो दूसरा स्टूडेंट है उसको कौन क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, वो वाला चीज़ हम बता देते हैं। अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि इन सब स्टूडेंट्स को ये सब चीज़ें पढ़ना है, इसका सिलेबस। देखिए ग्राफिक्स या किसी भी चीज़ का सिलेबस आपको देखना जाके नीचे जाके आप इजीली से देख सकते हैं, ओके। दूसरा मेन बात बचता है कि हाँ, जो जो नेक्स्ट हैं, दूसरे लोग हैं, उनको कौन सा सिलेबस पढ़ना है, उनको कौन सा पढ़ना है, ठीक है ना। तो उनको हम बता देते हैं कि उनको सेकेंड सेमेस्टर वाले को कौन सा पढ़ना है। देखिए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जो सेकेंड सेमेस्टर यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर लिखा हुआ है, जो सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको, जो सेकेंड लिखा तो सेकेंड सेमेस्टर है, यानी जो सेकेंड सेमेस्टर यानी ग्रुप 2, सेकेंड सेमेस्टर यानी ग्रुप 2, और स्टूडेंट किसका है, वो सिविल का, इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस जो चलता है, उसके अलावा टेक्सटाइल, ये सब जो ब्रांच के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अभी जो सेमेस्टर स्टार्ट होगा, सेमेस्टर जो अभी बस मार्च के में या फरवरी के लास्ट में या मार्च में, उनको सबसे पहले ये चीज़ पढ़ना है, उनको सेमेस्टर 2 वाला सिलेबस पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। देखिए एक चीज़ बताते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग पहले पढ़ना होता था, वो अब इंजीनियरिंग ड्राइंग हटा दिया गया है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में ही उसका सिलेबस है पूरा कर दिया गया है, कितना पढ़ना है,
ठीक है, मतलब सेमेस्टर इस सेमेस्टर वाले सिस्टम से हटा दिया गया है, इस वाले से। इसके बाद उसको थर्ड सेमेस्टर में रखा जाएगा, या फिर जो मैकेनिकल है, सिविल है, उसको ज़्यादा ही जरूरत है वो, तो उनको पढ़ाया जाएगा। जैसे पहले सारे लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाया जाता था, अब सिर्फ इंजीनियरिंग ग्राफिक सब लोगों को पढ़ाया जाएगा, बिकॉज बेसिक नॉलेज के लिए। और स्टूडेंट्स को थोड़ा दिक्कत भी होता था, बिकॉज ड्राइंग में लास्ट का चीज़ होता है, ग्राफिक में पहले वाली चीज़ होती है, तो कुछ वजह स्टूडेंट्स को दिक्कत होता था। देखिए थ्योरी ये सब सारा चीज़ कॉमन, इसमें भी वो जो बात जो हम बता रहे थे उस समय कि जो थ्योरी 100 नंबर का होता है वो सब जगह ही देखा। देखिए 70 नंबर का एक्सटर्नल एग्ज़ाम, 30 नंबर का इंटरनल, 20+10, इसमें भी प्रैक्टिकल जो है 50 नंबर का ही रहेगा सारे लोगों का, क्योंकि सेम स्कीम होता है, 35+15 देख लीजिए। इसमें सेकेंड ग्रुप वाले को पहले पर 4 लैब है, बिकॉज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आ जा रहा है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लैब इसमें जुड़ जा रहा है। और देखिए टर्न वर्क में यहाँ पे लिखा हुआ है कोर्स अंडर मुक्स स्वयं ETC। स्वयं क्या होता है कि जो नैपटेल भारत सरकार का जो एक नैपटेल करके है, नेशनल जो प्रोग्राम था टेक्निकल एजुकेशन ये सब करके, तो वहाँ से वो IIT के बहुत सारे प्रोफेसर्स का वीडियो लेक्चर रहता है, वहाँ से एक कोर्स आपको करना है। ठीक है, एक KYP चलता है सारे कॉलेजेस में, IT एसेंशियल, पाइथन, सिस्को से IT एसेंशियल होता है, वहाँ से आपको करना है, और इन्वायरमेंटल साइंस। ये टर्नबर्ग में है, टर्नबर्ग में 25 मार्क्स होते हैं। ठीक है, टर्नबर्ग का हम आपको बता दें कि उसका एक्सटर्नल एग्ज़ाम नहीं होता है, टर्नबर्ग का एग्ज़ाम नहीं होता है कोई, वो आपको पढ़ना होता है, कोर्सेज करना होता है, और फिर इंटरनल असेसमेंट होता है उसका, और जो आप कापी जो लिखते हैं, जो लिखते हैं वो जो जमा करते हैं, उसके बेसिस पे वो असेसमेंट होता है। वो कापी असेसमेंट होने के लिए बाहर जाता है, तो 14 नंबर उस पर एक्सटर्नल के लिए होता है, 6 नंबर 6 नंबर होता है कॉलेज के जो टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनके हाथ में होता है वो। तो इस टाइप से हम अभी जो सारे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उसके सिलेबस के बारे में भी डिस्कशन करिए किए कि उनको क्या क्या पढ़ना है, पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है पहले, है ना, ये सब है। और फिर इससे जो रिलेटेड जो सिलेबस है, देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा, से पहले जो Mathematics 2 वाले पार्ट है उसमें Unit 1 में पहले डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है, ये सब, तो ये चीज़ें सब आपको सिलेबस में दिया हुआ है। इसके ये सिलेबस है, आप स्टेट बोर्ड ऑफ, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं SBTE बिहार, आप टाइप कीजिए SBTE बिहार सिलेबस, टाइप कीजिए आप, आपके ये जो सिलेबस आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक हम अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जो कमेंट सेक्शन में डाल दिए रहे हैं, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। बिकॉज अब हम 1-1 करके सिलेबस पूरे बताने लगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, और ऐसे भी जब हम पढ़ाएंगे आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या फिर ग्राफिक्स या फिर हो सकता है कि ट्रम्पक वाले में इन्वायरमेंटल साइंस, ऐसे कोई भी सिलेबस जो मैं पढ़ाऊंगा, जो भी या जो हम भी या जो भी टीचर पढ़ाएंगे, वो आपको 1 by 1 करके सिलेबस सबसे पहले लोग एक्सप्लेन करते हैं, सबसे पहले वो सिलेबस आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ओके। देखिए मैकेनिक्स का ये वाला Unit 1 का है, बेसिक्स मैकेनिक्स फॉर फोर्स सिस्टम इक्विलिब्रियम फ्रिक्शन, आप सब लोग ये सिलेबस रहेगा, आप लोग पढ़िए अच्छे से। वंस अगेन आप सब लोगों के फ्यूचर के लिए हम बहुत अच्छे से कामना करते हैं, आप सब लोग पढ़िए आगे बढ़िए, और जो आप सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए, जैसे रोबोटिक्स, रोबोटिक्स का चीज़ें सीखिए एक्स्ट्रा, कुछ ऐसा करिए, बिकॉज सिलेबस तो सब लोग पढ़ते हैं, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करना चाहिए। तो हमारे तरफ से हम बता रहे हैं, देखिए जैसे आपको एक्स्ट्रा कुछ सीखना है तो स्वयं जो पोर्टल है, स्वयं पोर्टल यहाँ पे जो दिया हुआ है, स्वयं पोर्टल, वहाँ से आप बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं। वहाँ पे रोबोटिक्स का बहुत सारे कोर्सेज चलता है, एनिमेशन कोर्सेज चलता है, ठीक है, हर टाइप के कोर्सेज चलता है, सी प्रोग्रामिंग हो, ठीक है ना, सारा चीज़ वहाँ पे चलता रहता है, तब वहाँ से इजिली कर सकते हैं। नया नया जो आजकल सोलर मिशन जो है भारत सरकार है, जो बिहार सरकार का भी 7 निश्चय योजना के थ्रू, तो ये सब के लिए आप वहाँ से भी कोर्सेज कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद आप सब लोगों को।
आप सब इसको देखिए वीडियो को, फिर आपको समझ में आएगा कि कौन चीज़ हमको पढ़ना चाहिए, अभी हमारा सिलेबस क्या है। चलिए, थैंक यू।